वेबसाइट यानी कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस यानी कि बहुत सारे पेजेस होते हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं वेबसाइट कहते हैं जैसे ए के ट्यू की वेबसाइट की बात कर लीजिए तो ए के टू में आप देखेंगे तो ए के ट्यू डॉट ए सी डॉट इन अब जब फिल करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर आता है होम पेज कहते हैं उसको वहाँ पर जो है बहुत सारे जो है आपको ड्रॉप डाउन मिलते हैं लिंक्स मिलते हैं जिस पर क्लिक करके आप जो है फर्दर दूसरे पेजेस पर चले जाते हैं अब आप, आपको जो है ए के ट्यू की वेबसाइट पर पेज आप पहुँचे वहाँ पर आपको जो है रिजल्ट चेक करना है तो आपने वन व्यू पर क्लिक किया वन व्यू का पेज ओपन हो जाता है आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाना है स्टूडेंट पोर्टल पर जाना है तो उसका लिंक लिया तो आप स्टूडेंट पोर्टल के पेज पर पहुंच जाते हो तो एके ट्यू के पेज पर सिर्फ एक ही पेज नहीं है हजारों पेज हैं जो कि आपस में क्या है इंटरलिंक्ड हैं और उसको हम क्या कहते हैं वेबसाइट कहते हैं तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट तो वहां पे आपको जो है रिलेटेड कंटेंट मिलेगा एक वेबसाइट पे एक रिलेटेड कंटेंट ही आपको जो है वहां पे मिलेगा तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को हम क्या कहते हैं वेबसाइट कहते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस यूजली कंटेनिंग हाइपर लिंक्स टू ईच अदर एंड मेड अवेलेबल ऑनलाइन बाय एन इंडिविजुअल कंपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस होते हैं यानी डब्ल्यू डब्ल्यू पेजेज होते हैं जो कि हाइपर लिंक होते हैं यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक पेज से दूसरे पेज दूसरे पेज से तीसरे पेज पर आप जा सकते हैं और ये किसी भी इंडिविजुअल द्वारा कंपनी द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन द्वारा या फिर गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है तो वेब वेबसाइट क्या है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस वो भी रिलेटेड वेब पेजेस क्लियर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गूगल फेसबुक अमेजोन विकीपीडिया आपकी खुद की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट गवर्नमेंट की वेबसाइट ये सब क्या है ये वेबसाइट हैं और वहां पर बहुत सारे इंटरलिंक्ड वेब पेजेज होते हैं जो कि इंटरलिंक्ड होते हैं और रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं क्लियर तो हम बात कर लें टाइप ऑफ वेबसाइट्स की तो बहुत सारे अलग अलग बेसिस पे आप जो वेबसाइट को डिवाइड कर सकते हैं जैसे सबसे पहला है ई कॉमर्स वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट यानी कि वो वेबसाइट जहां पर आप जो है बाइंग एंड सेलिंग का काम करते हैं अलाउ यूजर टू शॉप फॉर एंड प्रोडक्ट्स और सर्विस ऑनलाइन कामेजोन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट कहते हैं यानी कि ऐसे वेबसाइट ऐसे वेबसाइट जहां पे ऐसे वेब पेजेस होते हैं जहां से आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं बेच सकते हैं क्लियर नेक्स्ट है पर्सनल वेबसाइट पर्सनल वेबसाइट यानी कि वो वेबसाइट जहां पे लोग अपनी ओपिनियन के लिए जो है वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आर फॉर इंडिविजुअल हु वांट टू हैव ऑनलाइन प्रेजेंस टू वॉइस देयर ओपिनियन हेल्प विद जॉब प्रोस्पेक्ट और इस्टैब्लिश देयर ऑन पर्सनल ब्रांड यानी कि वो खुद के नाम को डेवलप करने के लिए या फिर खुद के बारे में लोगों को बताने के लिए जो है वह खुद के नाम से वेबसाइट ओपन कर लेते हैं बहुत सारे बड़े बड़े आप जो है सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे वो क्या करते हैं वो अपने नाम से वेबसाइट ओपन कर लेते हैं तो दैट इज़ पर्सनल वेबसाइट इसी तरीके से दूसरा है पोर्टफोलियो वेबसाइट पोर्टफोलियो वेबसाइट नॉर्मली पर्सनल वेबसाइट की तरह होता है लेकिन बस यहाँ पे जो मेन मोटिव होता है पोर्टफोल का कि यहां पे जो है आप अपने आ, अपने जो प्रोफेशनल वर्क्स होते हैं ना उसको दिखाते हो जिससे लोगों को पता चले और फिर जो आपके क्लाइंट हो वो आपको अप्रोच करें और आप जो है आ, वर्क पा सको जॉब पा सको यहाँ पे आप ये थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होता है यहां पर आप अपने करियर के बारे में अपने नॉलेज अपने अचीवमेंट्स के बारे में जो है आप बताते हो तो उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट इसी तरीके से बिजनेस वेबसाइट है बिजनेस वेबसाइट बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि अपनी कंपनी के जो कंपनी वेबसाइट कहते हो तो वहाँ एम्प्लॉई प्रोडक्ट सर्विस कल्चर वो सारी चीजों के बारे में जो है वहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम कहते हैं बिजनेस वेबसाइट जैसे कि आप विप्रो डॉट कॉम चले जाइए आप जो है रिलायंस डॉट कॉम चले जाइए टाटा मोटर्स डॉट कॉम चले जाइए तो ये सब क्या है बिजनेस वेबसाइट है जहां पर आपको कंपनी के बारे में उनके ऑब्जेक्टिव उनके मिशन विजन एम्प्लॉई प्रोडक्ट सर्विस इन सभी चीजों के बारे में जो है आपको उनका गोल क्या है इन सभी चीजों के बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम कहते हैं बिजनेस वेबसाइट इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट हो गया एजुकेशनल वेबसाइट जो कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज की वेबसाइट होती है इंटरटेनमेंट वेबसाइट जो है आपको बहुत सारे मिल जाएंगे स्पोर्ट्स वेबसाइट ऐसे वेबसाइट जहाँ पर सिर्फ आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड इफॉर्मेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी मिलती है तो उसको कहते हैं स्पोर्ट्स वेबसाइट यानी कि किस परपज से जो वेबसाइट बना है उसके अकॉर्डिंग जो है आप उसका नाम दे सकते हैं क्लियर अब आता है वेब होस्टिंग ये जो वेबसाइट आपने देखा वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं तो इसको कहाँ रखा जाता है सर्वर में रखा जाता है तो सर्वर में आपके वेब पेजेस को आपके वेबसाइट को रखने के लिए और जो भी टेक्नोलॉजी और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं वेब होस्टिंग कहते हैं फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल फॉर पोस्टिंग अ वेब पेज और वेबसाइट ऑन टू द इंटरनेट इज नॉन एज वेब होस्टिंग यानी कि आपका जो वेब पेज होता है आपकी जो वेबसाइट होता है वो एक जगह सर्वे में रखा जाता है जिससे कि वो इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सके तो इसी को हम क्या कहते हैं वेब होस्टिंग होस्टिंग मीन स्टोर करना किसको वेब को यानी कि वेब पेजेस को स्टोर करना तो दैट इज़ वेब होस्टिंग वेब होस्टिंग इज वेयर योर वेबसाइट फाइल्स आर फिजिकली स्टोर्ड ए डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ दैट स्टोरेज लोकेशन कि वेब होस्टिंग क्या हो गया कि वो प्लेस हो गया जहां पे आपका जो वेबसाइट होता है आपके जो वेब पेजेस होते हैं फिजिकली स्टोर्ड होते हैं और उनको एक नाम दिया जाता है जिसको हम डोमेन कहते हैं जिसके जरिए आपके पेजेस को लोग वेबसाइट पे और इंटरनेट पे या फिर वर्ल्ड वाइड वेब पे जो है सर्च कर पाते हैं सर्विस एंड टेक्नोलॉजीज आर प्रोवाइडेड बाय वेब होस्ट यानी कि जो वेब होस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करता है हम उसको क्या कहते हैं वेब होस्ट कहते हैं और जो वेबसाइट होता है वो होस्ट होता है स्टोर होता है कहां पर सर्वर पर सर्वर क्या होता है एक तरीके का स्पेशल कंप्यूटर होता है तो स्पेशल कंप्यूटर जिसको हम सर्वर कहते हैं वहां पर सभी की वेबसाइट्स या फिर जो वेब पेज होते हैं उनको स्टोर किया जाता है और इसी को हम वेब होस्टिंग कहते हैं और जहां से वो स्टोर किया जाता है वहीं से फिर वो इंटरनेट पर जो है उसको एक्सेस करने का अलाउ किया जाता है जिससे कि लोग जो है अपने घर लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं वो कहां से करते हैं सर्वर से करते हैं आपने सुना होगा कि सर्वर स्लो हो गया इसलिए वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है तो वो कहां है क्योंकि वेबसाइट सर्वर पे होती है और सर्वर जब स्लो हो जाता है यानी कि उस पर लोड हो जाता है तो वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर पाते हो तो दैट इज वेब होस्टिंग तो जैसे बहुत सारे आपको वेब होस्ट मिलेंगे जैसे कि गोडेडी है ब्लू होस्ट है ग्रीन गीक्स है ये सब क्या है ये वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करती हैं क्लियर तो वेब होस्टिंग अलग अलग टाइप की होती है जैसे शेयर्ड वेब होस्टिंग है तो शेयर्ड वेब होस्टिंग मतलब कि यहां पे आप दूसरे का किसी और का जो वेबसाइट होगा सबका जो है इसी एक ही सर्वर पे जाएगा तो उसको हम कहते हैं शेयर्ड वेब होस्टिंग यानी कि एक ही सर्वर पर सबकी वेब पेजेस अवेलेबल हैं रीसेलर वेब होस्टिंग जहाँ पे क्या कहते हैं कि आपका जो है वो आपको सर्वर दे देते हैं आपको सर्वर सेल कर देते हैं आप सर्वर के ऑनर हो जाते हो री वेब होस्टिंग डेडिकेटेड वेब होस्टिंग सर्विस इस यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक ख़ुद का अपना सर्वर होगा लेकिन आप जो है उसको कंप्लीटली मैनेज भी कर पाओगे लेकिन आप उसके मालिक नहीं बनोगे डेडिकेटेड होस्टिंग सर्विस आपका आपको नाम कर दिया जाएगा यानी कि एक तरीके से मजिए आपको लीज पे दे दिया जाएगा आप उसको चलाइए जब तक आप पेमेंट कर रहे हैं इसी तरीके से मैनेज्ड होस्टिंग सर्विस मैनेज्ड होस्टिंग सर्विस क्या होता है कि यहाँ पे आपको लीज पे ही दिया जाएगा लेकिन आपको कम्प्लीट लाइक कम्प्लीट ऑनरशिप नहीं दी जाएगी यानी कि ये नहीं कि आप पूरी तरीके से उस सर्वर में चेंज छे, नहीं कर सके नहीं आप जो है कुछ चीज़ें आपको अलाउ कर दी जाएंगी लेकिन बाकी चीज़ें जो वेब होस्ट है होगा वही मैनेज करेगा डेडिकेटेड में आपको सर्वर दे दिया जाएगा आपको जो करना है करिए रिसलर में पूरा आपको दे दिया जाता है शेयर में आपको दिया नहीं जाएगा बल्कि आ, सभी लोगों के साथ शेयर किया जाता है दैट इज शेयर वेबो होस्टिंग अब हम बात कर ले कि डोमेन नेम क्या होता है ये डोमेन नेम इज वेबसाइट नेम सिंपल सा कि आपकी जो भी वेबसाइट होती है तो उसका जो भी एड्रेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं डोमेन नेम ये डोमेन नेम इज़ द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस द वेबसाइट डोमेन नेम से ही जो है इंटरनेट यूजर्स जो है आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर, तो कर सकते हैं ए डोमे नेम इज़ यूज फॉर फाइंडिंग एंड आइडेंटिफाइंग कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पे जो कंप्यूटर है आपके डोमेन नेम से उसको भी फाइंड करने में हेल्प करता है फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग टू रजिस्टर ए डोमेन नेम फॉर द एजुकेशन देन यू कैन चूज डॉट ई डी यू एक्सटेंशन यानी कि अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड आपका वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो आप डॉट ई डी यू का एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं बिलो इज़ द रेफरेंस फॉर करेक्ट यूजेज ऑफ सर्टन एक्सटेंशन जैसे कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है डॉट कॉम आप जब भी कहीं भी देखें डब्ल्यू 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 गूगल डॉट कॉम या यूट्यूब डॉट कॉम इस तरीके होता है तो डॉट कॉम मीनस होता है कंपनी या कॉमर्सियल बट इट कैन भी यूज फॉर एनी वेबसाइट डॉट नेट है स्टैंड फॉर नेटवर्क एंड इज़ यूजली यूज फॉर नेटवर्क ऑफ साइट्स डॉट ओ आर जी स्टैंड फॉर ऑर्गनाइजेशन एंड इज सपोज टू बी नॉन प्रॉफिट बॉडी जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते उनसे द्वारा डॉट ओ आर जी यूज करें डॉट यू एस ए डॉट इन ये कंट्रीज़ को रिफरस करते डॉट यू एस अमेरिका डॉट in India. Dot biz a newer extension on the internet and can be used to indicate that the site is purely related to business. Business related कोई company है वो अपना domain set करती है तो dot biz का use हम कर सकते हैं. Dot info information से related है. Dot tv यानी television या TV TV channel site से उनको dot tv का use कर सकते थे ये domain name कहलाता है. आप बात कर ले यू आर एल की तो यू आर एल का है एवरी डॉक्यूमेंट ऑन द वेब हैज यूनिक एड्रेस सभी डॉक्यूमेंट के एक यूनिक एड्रेस होते हैं दिस एड्रेस इज ऑन ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सर्वर सेवरल एच टी एम एल एक्स एच टी एम एल टैक्स इंक्लूडे यू आर एल एट्रीब्यूट वैल्यू इंक्लूडिंग हाइपलिंग इन लाइन इमेजेस एंड फॉर्म्स तो यू आर एल एन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये डॉक्यूमेंट का एक एड्रेस होता है ऑल ऑफ देम यूज द सेम सिंटेक्स द लोकेशन ऑफ ए वेब रिसोर्स रिगार्डलेस ऑफ द टाइप और कंटेंट ऑफ दैट रिसोर्स दैट्स वाई इट इज नॉन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फॉर एग्जाम्पल https टी टी पी एस डबल डैस डब्ल्यू 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 डॉट यूट्यूब डॉट कॉम स्लैश सी स्लैश डिवेडी गाइडेंस ये क्या है ये यू आर एल है ये अगर आप फिल करेंगे ब्राउजर में तो आपको हमारा चैनल ओपन होगा तो डेट इज यू आर एल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर